बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोस्तों आपसे भी सही मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आप इन दोनों फोन में कौन से फोन के लिए ज्यादा उत्सुक हो, इंटरेस्टेड हो, एक Realme 5 Pro या Realme 5? जरूर कमेंट्स कीजिएगा। जैसा आप सभी को पता है 20 अगस्त को Realme भारत में दो फोन लॉन्च कर रहा है, एक मिड रेंज में आएगा, दूसरा बजट कैटेगरी में आएगा, एक मिड रेंज में दूसरा बजट कैटेगरी में, जो एक है Realme 5 Pro और दूसरा Realme 5। अभी Realme 5 Pro के बारे में मैं तो सब कुछ आपको मेरे अगले वीडियो में, यानी मेरे जो पिछले वीडियो आया था उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हूं, पर इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा Realme 5 के बारे में। कुछ कंफर्म स्पेक्स आ चुका है Realme 5 को लेकर, चलिए इस वीडियो में मैं Realme 5 का जो कंफर्म स्पेक्स हैं जो निकल के आया है उसके बारे में बताऊंगा, साथ में इसका प्राइस क्या होगा ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप Realme 5 खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा, तो देखते रहिए। तो चलुन करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। Realme 5 खरीदने वाला हूं, Realme 5 Pro खरीदने वाला हूं, और Xiaomi की तरफ से Mi A3 वो भी खरीदने वाला हूं, और इन तीनों फोन का अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन वीडियो सब कुछ मेरे चैनल पे आ जाएगा। भाई साथ में रहिए, साथ दीजिए। चलिए बात करते हैं Realme 5 के बारे में। देखिए ये फोन जो है ये बजट कैटेगरी में आएगा, यानी इसका प्राइस काफी अच्छा रहेगा। अभी चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। देखिए जो Realme 3 आता है वो 9000 में, जो Realme 3i वो आता है 8000 में, सबका बेस वेरिएंट, यानी 3GB और 32GB। अभी Realme जो 5 आएगा वो आपको 1000 rupees एक्स्ट्रा देना होगा कंपेयर टू Realme 3। जी हाँ, जो Realme 3 का प्राइस है 9000, Realme 5 का प्राइस होगा 10000, यानी इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा 3GB 32GB वो आपको मिल जाएगा 9999 पे। क्या जो स्पेक्स हमें मिल रहा है आगे मैं बताऊंगा क्या ये जस्टिफाई करता है इस प्राइस को, देखते रहिए। बात करते हैं यहां पे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखिए Realme वही डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको Realme 5 भी मिल जाएगा, यानी जो ग्रेडियंट फिनिशिंग होता है वो आपको पीछे में मिल जाएगा, ग्लॉसी बॉडी मिल जाएगा, यानी ग्लॉसी डिजाइन के साथ आएगा, साथ में यहां पे पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहां पे लुक्स वाइज तो काफी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हो पॉलीकार्बोनेट कहीं ना कहीं ग्लास से अच्छा होता है। साथ में यहां पे आपको स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाएगा जो आपको Realme 3 में मिल गया था। यहां पे आपको पीछे में 4 कैमरास मिलेगा, साथ में यहां पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहां पे डिस्प्ले की बात करूं तो Realme 5 में आपको 6.3 इंचेस का एक HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, और हां यहां पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। तो जो आपको Realme 3 में मिलता है HD प्लस वही आपको मिल जाएगा Realme 5 में भी, यहां पे कुछ अपग्रेडेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो वाटर ड्रॉप नॉच वो भी सेम रहेगा। चलिए बात करते हैं यहां पे रैम एंड रोम की। तो Realme 5 आपको दो वेरिएंट में मिल जाएगा, जो बेस वेरिएंट होगा वो होगा 3GB और 32GB रैम एंड रोम के साथ, और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो होगा 4GB और 64GB रैम एंड रोम के साथ। हाँ यहां पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, यानी आप एट ए टाइम दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का उपयोग जरूर कर सकते हो। डुअल 4G को ये सपोर्ट करता है, नेटिव वीडियो कॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहां पे अपग्रेडेशन आपको मिल जाएगा जो Realme 3 और Realme 5। Realme 5 में आपको Qualcomm Snapdragon जो प्रोसेसर है उसका 665 प्रोसेसर मिल जाएगा, यानी हाँ इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा है, और ये एक 11 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पे आधारित है। साथ में यहाँ पे आपको Adreno 610 जो GPU वो भी मिल जाएगा, और ये 2 GHz पे क्लॉक्ड होगा। तो इस प्राइस रेंज में यानी 10000 में आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर। ये कहीं ना कहीं Mi A3 को भी कम्पीट कर सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो Xiaomi की तरफ से जो Mi A3 21 अगस्त को लॉन्च होगा इसमें भी आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 665। अगर Realme इस प्रोसेसर को इस प्राइस रेंज में यूज करता है तो काफी काबिले तारीफ होगा।
चलिए बात अब यहां पे कैमरास की, जो हाइलाइटिंग फीचर्स हैं। Realme 5 में आपको मिल जाएगा पीछे में चार कैमरास। जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 16 मेगापिक्सल का एक 1.8 अपर्चर के साथ। जो दूसरा कैमरा होगा एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का, और यहां पे आपको 119 यानी 119 डिग्री वाइड एंगल लेंस आपको देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड। इतना ही नहीं, आपको जो और एक सेंसर मिलेगा यहां पे ये होगा एक सुपर मैक्रो लेंस, यानी ये 5 मेगापिक्सल के साथ आएगा, यानी जो डेप्थ ऑफ फील्ड। और यहां पे अब बहुत ही करीब से भी कोई पिक्चर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अंत में आपको एज ए डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाएगा, और सामने में आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। हो भी सकता है 16 मेगापिक्सल, पर जितना सूत्रों से खबर है वो आपको 13 मेगापिक्सल ही मिल सकता है। चलिए अब यहां पे फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा, पर ये मेरा उम्मीद है, ये मेरा भाई रियलमी से गुजारिश है, भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और EIS जरूर देना, क्योंकि रेडमी नोट 7S में इस प्राइस रेंज में ये आता है। चलिए बात अब यहां पे करते हैं बैटरी की। तो रियलमी 5 में आपको 4230mAh के आसपास बैटरी जरूर देखने को मिलेगा, और यहां पे कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है सूत्रों से कि भाई रियलमी 5 में आपको जो वूक चार्ज 3.0 का सपोर्ट भी मिलेगा, पर आपको बॉक्स में ये नहीं मिलेगा, एक 10 वाट का चार्जर मिलेगा। तो अगर ये होता है तो ये भी काफी अच्छा है बजट प्राइस के लिए। अभी यहां पे जो USB टाइप सी होगा या माइक्रो USB पोर्ट, इसके बारे में तो कोई न्यूज नहीं आया है। जितना ज्ञान है भाई आपको यहां पे यानी रियलमी 5 में माइक्रो USB पोर्ट ही मिलेगा। चलिए अब यहां पे कलर OS 6 भी आपको मिल जाएगा, साथ में एंड्रॉइड पाई पे ये रन करेगा। आपको पीछे में फिंगरप्रिंट सेंसर और सामने में फेस अनलॉक का फीचर्स भी मिल जाएगा, और सभी सेंसर्स यहां पे आपको दिया गया है। तो ये था रियलमी 5 का कुछ कंफर्म स्पेक्स, 99% यही होगा। अब देखते हैं रियलमी क्या करता है, किस प्राइस पे लॉन्च करता है, और लगभग आपको यही स्पेक्स मिल जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, साथ में कैसा लगा आपको ये स्पेक्स और फीचर्स रियलमी 5 का, तो आप खरीदना पसंद करोगे? अगर इसी स्पेक्स के साथ आता है रियलमी 5 और इसी प्राइस के साथ, मैं तो जरूर खरीदूंगा।